डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर। क्वेश्चन इज द लास्ट डिजिट इन द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/5 टू द होल पावर 2000 इज। ओके, तो हमें इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन है 1/5 टू द होल पावर 2000, तो डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा उसका 0.2 टू द पावर 2000। तो इसमें लास्ट डिजिट फाइंड आउट करनी है, यानी इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। ओके, तो देखिए इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो सिमिलर होगी जो 2 की पावर 2000 की होगी, बिकॉज जो लास्ट में जो डिजिट है वो 2 ही है। ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है कि 2 की 2 पावर 2000 में यूनिट प्लेस पर क्या नंबर आएगा। तो देखिए 2 टू द पावर 4 इसकी वैल्यू होती है 16। ठीक है, और इसकी यूनिट प्लेस पर नंबर है 6। और 6 की एक प्रॉपर्टी है कि 6 की कोई भी पावर हो इसकी वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, यानी 6 ही रहेगी। सो अगर हम यहाँ पर पावर लें 2 की पावर 4 की होल पावर 500, तो ये भी इक्वल हो जाएगा 6 की पावर 500 के। ठीक, सो दिस इज 2 टू द पावर 5 4 20, दैट इज 2000। इसकी यूनिट प्लेस पर नंबर क्या होगा, 6 होगा, बिकॉज 6 की कोई भी पावर हो, एक्सपोनेंट हो, उसकी जो यूनिट प्लेस पर है उस पर हमेशा वैल्यू 6 ही रहती है, और यही हमें यहाँ कंप्यूट करना था। सो उसके यूनिट प्लेस पर नंबर क्या हो जाएगा, 6, यानी कि 1/5 टू द होल पावर 2000 इसके यूनिट प्लेस पर, और वी कैन से द लास्ट डिजिट पर क्या नंबर होगा, 6। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। डाउटनेट पे कीजिए अपने सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी, सीखिए न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स और सफाया करें अपने सारे मैथ्स डाउट्स का। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।